तो हे गाइस इट्स मी संजीव, वेलकम बैक टू अस कमिक्स। दोस्तों प्रीव्यू में जिस तरह का एक रामजी स्पेशल स्टेटस वीडियो दिखाया, इस तरह का वीडियो आप लोग भी बहुत ही आसानी से बना सकते हो सिर्फ इस वीडियो को लास्ट तक देखकर। तो गाइस आप लोग अगर इस वीडियो को बनाना चाहते हो तो ध्यान से देखते रहिए। एंड ये वीडियो रिक्वेस्टेड वीडियो है, एक बंदे ने मुझे बहुत बार रिक्वेस्ट किया था कि श्री राम जी के ऊपर एक वीडियो बनाओ, तो मैं फाइनली ला चुका हूँ। तो आप लोग अगर इस वीडियो को बनाना चाहते हो गाइस, तो फर्स्ट टाइम क्या करना होगा, टर्बोहिपन एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इस एप्लीकेशन के अंदर जाकर टैप टू कनेक्ट कर लेना है। उसके बाद क्या पार्ट एप्लीकेशन को ओपन करना है, ये एप्लीकेशन आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पे पिन किया हुआ मिल जाएगा, तो वहां से आप लोग बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। अब गाइस आप लोगों को फर्स्ट काम क्या करना है, न्यू प्रोजेक्ट पे टच करना है। उसके बाद गाइस यहां पर एक वीडियो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, तो गाइस मैं आप लोगों को दिखाता हूं कौन सा वीडियो है। तो एक 6 सेकंड का वीडियो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, इसे ऐड करते देखिए कुछ इस टाइप का वीडियो है। अब ऊपर में देखिए बॉक्स वाला आइकन है, इस पर क्लिक करें। उसके बाद नीचे ऐड ऑडियो करके आ रहा है, इस पर क्लिक करें, एक्सट्रैक्टेड पे क्लिक कर लीजिए, ठीक है। अब गाइस आप लोगों को 13 सेकंड का एक वीडियो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, इसे ऐड करते ऑडियो नीचे ऐड हो जाएगा। अब इस वीडियो को बनाने के लिए गाइस आप लोगों को 10 फोटोज़ की जरूरत है, तो देखिए साइड में एक प्लस का आइकन है, इस पर क्लिक करें, फोटोज़ में जाएं, गैलरी से आप लोग 10 फोटो सिलेक्ट कर लीजिए। तो इस तरह से आप लोग 10 फोटो सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब ऐड पे क्लिक करते आप लोग देखिए सभी फोटो यहाँ पर ऐड हो चुका है। अब आप लोग क्या करना है, सभी फोटो को फुल स्क्रीन में करना है। तो फुल स्क्रीन करने के लिए गाइस आप लोग फोटो पे क्लिक करें, जूम करके इस तरह से फुल स्क्रीन में कर लीजिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, इस तरह से फोटो पर क्लिक करना है, जूम करना है। तो ये प्रोसेस मैं कर लेता हूँ। तो गाइज मैंने यहाँ पर सभी फोटो को फुल स्क्रीन में कर लिया हूँ। अब गाइज आप लोग को सभी फोटो को बीट के अकॉर्डिंग कट करना है। तो फर्स्ट फोटो का ड्यूरेशन होगा 0.9 सेकंड, उसके बाद जितने भी फोटोज़ है सभी फोटो का ड्यूरेशन होगा 0.7 सेकंड। देखिए सेकंड फोटो 0.7 सेकंड हो चुका है, थर्ड फोटो को 0.7 सेकंड कर लीजिए, फोर्थ फोटो को भी कर लीजिए। इस तरह से गाइस लास्ट तक सभी फोटो का ड्यूरेशन 0.7 सेकंड करके कर लीजिएगा। तो ये प्रोसेस भी मैं कर लेता हूँ। तो गाइज मैंने यहाँ पर सभी फोटो को 0.7 सेकंड करके कर लिया हो, तो आप लोग भी कर लीजिएगा इस तरह से। अब आप लोग को सभी फोटो में एनिमेशन ऐड करना, तो फर्स्ट फोटो पे क्लिक करें, नीचे देखिए एक ऑप्शन है एनिमेशन, इस पर क्लिक करें। उसके बाद कॉम्बो पे आप लोग क्लिक करना है। कॉम्बो पे क्लिक करने के बाद गाइज आप लोग को वेब एप्स ऑप्शन को सभी फोटो में इसी एनिमेशन को ऐड करना है। देखिए गाइज आप लोग यहाँ पर बहुत सारे एनिमेशन मिल जाते हैं, आप लोग कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर रिकमेंड करूँगा वेब एप्स ऑप्शन एनिमेशन को सभी फोटो में ऐड करें। तो इस तरह से गाइज आप लोग को सभी फोटो में वेब एप्स ऑप्शन एनिमेशन को ऐड कर लेना है। तो देखिए आप लोगों के सामने मैंने सभी फोटो में वेब एप्स ऑप्शन एनिमेशन को ऐड कर लिया हूँ। अब इतना तक हो जाने के बाद फास्ट फोटो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है इस जगह पर आ जाइए, बैक आइए, एफेक्ट पे क्लिक करें, उसके बाद वीडियो इफेक्ट पे क्लिक कर लीजिए। अब यहाँ पर गाइज ट्रेंडिंग पे ही देखिए ट्रेंडिंग है, यहाँ पर गाइज दो इफेक्ट मिलेगा। तो फर्स्ट है व्हाइट फ्लश 2, इसको ऐड करें, उसके बाद इसको खींच के लास्ट तक कर लीजिए, ठीक है। अब गाइज फिर से आप लोग फास्ट फोटो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है इस जगह पर आ जाइए, उसके बाद वीडियो इफेक्ट पे क्लिक करें। यहाँ पर गाइज HDR ढूंढ लेना है, तो फर्स्ट में मेरा है तो आप लोग ढूंढ लीजिएगा। अब HDR को ऐड करने के बाद लास्ट कर लीजिए। और गाइज इस वीडियो में कुछ भी नहीं करना है, आपका जो वीडियो बनकर रेडी हो चुका है। तो गाइज आज का वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा, पसंद है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल पर तो प्लीज गाइज को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए गाइज इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।